Arigon, tatsat, मित्रों, ये प्रश्न 15 दिसंबर 2019 को CSIR नेट मैथमेटिक्स के पार्ट सी में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट एन इक्वल टू आर ग्रेटर देन 5 बी एन इंटीजर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. पहला है, समेशन स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन 1 बाई एन, इनइक्वलिटी 1 प्लस लॉग एन. ऑप्शन 2, समेशन एन स्मॉल एन इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन 1 बाई एन इज लेस देन 1 प्लस लॉग एन. और ऑप्शन 3 है, समेशन फ्रॉम स्मॉल 1 इज टू कैपिटल एन 1 बाई एन लेस देन आर इक्वल टू लॉग एन. और चौथा है, समेशन स्मॉल एन इक्वल टू 1 कैपिटल एन 1 बाई एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लॉग एन. इसमें हम कैपिटल एन की वैल्यू 5 या उससे ऊपर ले सकते हैं. यदि हम कैपिटल एन की वैल्यू 10 लेते हैं जो कि 5 से बड़ा है, तो समेशन स्मॉल एन इक्वल टू 1 कैपिटल एन 1 बाई एन का मान 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई 10 का मान होगा 2.93. और जबकि लॉग एन का मान यदि आधार को हम 10 लेंगे तो लॉग 10 का मान होगा 1, और 1 प्लस लॉग एन का मान हो जाएगा 2. और इसके हिसाब से ऑप्शन 1 में जाएंगे तो LHS का मान होगा 2.93 और RHS का मान होगा 2. और इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2.93 जो है उससे बड़ा नहीं है 2, और उसके बराबर भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा. और चूंकि ये ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो उसके उसी के कारण ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा. और RHS से एक और घटा देंगे तो RHS और कम हो जाएगा, और इसलिए ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा. चूंकि ऑप्शन 3 गलत है इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा. इस प्रश्न में केवल ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि इसमें RHS का मान है, LHS का मान है 2.93 और RHS का मान है 1, और 2.93 एक से बड़ा होता है, इसलिए इसमें केवल ऑप्शन 4 सही है. जबकि NTA द्वारा जारी उत्तर कुंजी में पहला, दूसरा और चौथा आंसर सही दिया गया है, जो कि गलत है. धन्यवाद.